हेलो दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जी देखिए, आज मैं माकोय से वाइन बनाने जा रहा हूँ। भारतीय आयुर्वेदा में इसके बहुत लाभ बताए गए हैं। इसको दोस्तों ककमासी भी कहा जाता है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों ये जड़नुमा पौधा हर जगह खुद ही उग आता है। तो दोस्तों इसके बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि मूत्राशय या गुर्दा या लीवर, इनके रोगों में ये बहुत काम आता है। अगर लीवर वगैरह में सूजन हो जाए तो तब भी ये बहुत काम आता है। दोस्तों बवासीर, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, पीलिया, मुंह में छाले, उनीद्रा, चूहे का विष निकालना, और दोस्तों यह वीर्यवर्धक होता है। ये बहुत ही इसके फायदे हैं। इसके फायदे दोस्तों मैं गिनाने लग जाऊँ तो वीडियो इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी अभी हम वाइन बनाते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैंने मकोई का फल को तोड़ लिए हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे से जो मोती हूँ जैसे इसके फल होते हैं। ये दो रंग के होते हैं, एक लाल रंग का भी इसका फल होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये काला फल है, इसको हम धो लेते हैं। तो दोस्तों इन फल को मैंने धो लिए हूँ, अभी इसको मैं जार में डाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, और मैं फल ये देखिए जंगल से ढूंढ कर लाया था, ये भी इसमें डाल लेता हूँ। और दोस्तों ये देखिए, इसमें मैं ये गुड़ वाला शक्कर डालने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं ज़्यादातर देसी खांड ही यूज़ करता हूँ जो कि आयुर्वेदिक होती है, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते वो मिल नहीं रही, तो ये देखिए मैं गुड़ वाला शक्कर ही इस्तेमाल करूँगा। और दोस्तों इसमें मैं ये देखिए, हम थोड़ा ये दालचीनी, लौंग, इलायची डालेंगे। और दोस्तों ये देखिए, हमेशा की तरह जब मैं वाइन वाला स्पेशल यीस्ट यूज़ करूँगा, ये रेड स्टार का वाइन बनाने वाला स्पेशल यीस्ट होता है। आप चाहो तो ब्रेड बनाने वाला आम जो खमीर होता है वो भी उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों हम सबसे पहले ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। मैंने ये देखिए 2 चम्मच शक्कर डाला है इसमें, ये कटोरी में, और 1 चम्मच ये देखिए मैं खमीर डालूँगा। दोस्तों ये देखिए, मैंने ये खमीर ले लिए हूँ, ये 1/4 चमचा खमीर है। तो ये देखिए मैं ये इसमें डाल दूँगा, और थोड़ा मैं ये देखिए गुनगुना पानी इसमें डालकर इनको घोल दूँगा अच्छे से। और दोस्तों इनको घोल कर मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगा एक्टिवेट होने के लिए। दोस्तों ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह घोल दिए हूँ। अभी इसको ढक कर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15-20 मिनट तक दोस्तों जो है ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हम इसको जार में डाल लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जो मकोई का फल मैंने जो जार में ये देखिए मैं डाल लिया था, तो ये जो कटोरी में है ये भी मैं जार में डाल लेता हूँ। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह कूट देना है। दोस्तों ये देखिए, मकोए के फल को मैंने अच्छी तरह ये देखिए मसल दिए हूँ। अभी हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये शुगर है, ये दोस्तों हम शुगर का पहले जोक कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ कि कितना शुगर मैं इसमें डालने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, 275 ग्राम ये देखिए शुगर में इसमें डालूंगा। ये जो हमारा जार है, जो ये 1 लीटर है, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो शक्कर में थोड़ा मीठा भी कम होता है, इसलिए मैं थोड़ी शक्कर ज़्यादा डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शक्कर को हम गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह घोल लेते हैं।
दोस्तों ये देखिए मैंने शुगर को घोल लिए हूँ, अभी इसको भी जार में डाल देता हूँ। दोस्तों ये देखिए हमने पानी डाल दिए हैं, अभी ये लौंग इलायची और दालचीनी भी हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा यीस्ट जो हमने रखा था ये देखिए एक्टिवेट हो चुका है, ये पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ अभी, पर फिर भी मैं इसको जार में डाल देता हूँ। दोस्तों जार को पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा गले से नीचे ही रखना है, ज़्यादा ऊपर तक भर दोगे तो दोस्तों ये ओवरफ्लो होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों हमने सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं, तो दोस्तों अभी हम इसके ऊपर एयर लॉक ट्यूब लगा देते हैं। ये देखिए जी मैंने घर में देसी जुगाड़ तरीका से एयर लॉक ट्यूब बनाया था, अगर आपने ये बनाना सीखना तो आपको वीडियो लिस्ट में जो है वीडियो मिल जाएगा बनाने का, तो आप ये वीडियो देख कर इसको बनाना सीख सकते हो। तो दोस्तों एयर लॉक ट्यूब में भी थोड़ा पानी डाल देता हूँ। तो दोस्तों जो देखिए इसको मैंने रख दिए हूँ, 3-4 घंटा बाद ये फर्मेंटेशन बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जो देखिए इसका फर्मेंटेशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन 4-5 घंटा बाद इसका फर्मेंटेशन और बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ 4 घंटा बाद। तो दोस्तों कुछ दोस्तों हमारे कमेंट में पूछते हैं कि क्या इसको रोज़ ही लाने की ज़रूरत है और क्या इसको हम खोल सकते हैं एक बार रख देने के बाद। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसको रोज़ रोज़ हिलाने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो हिला भी सकते हो लेकिन हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसको कभी कभार खोलना चाहो तो थोड़े समय के लिए खोल सकते हो, ज़्यादा मत खोलिएगा क्योंकि जार में ज़्यादा ऑक्सीजन चले जाने से दोस्तों इसका टेस्ट खट्टा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 4 घंटा बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसका फर्मेंटेशन कितना बढ़िया हो रहा है, ये देखिए 4 घंटा हो गया इसको पड़े हुए, ये देखिए इसका फर्मेंटेशन बढ़िया होना शुरू हो चुका है। ये देखिए आपको अंदर घोल नज़र आ रहा होगा कितना कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, और दोस्तों ये देखिए एयर लॉक ट्यूब में कितना बढ़िया बुलबुला उठ रहा है ये देखिए। तो दोस्तों ये वाइन ही नहीं एक औषधि है, आप इसको पीते हैं तो आपके बॉडी को इसका पूरा लाभ मिलेगा, ये कई रोगों में उपयोग किया जाता है मकोए। तो दोस्तों इसको मैं फर्मेंटेशन होने के लिए ऐसे ही 15 दिन छोड़ दूंगा, 15 दिन बाद दोस्तों यह रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको फिल्टर और डीकेंट करेंगे और दोस्तों इसका मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।